पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, निलंबित एसपी मणिलाल पटीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुआ था एसपी। महोबा शहर कोतवाली में फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। तो महोबा से बड़ी खबर आपको बता रहे, निलंबित एसपी मणिलाल पटीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में ये लोग निलंबित चल रहे थे, लेकिन अब इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। महोबा शहर कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो महोबा में एसपी मणिलाल पटीदार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा लिखा गया है। 3 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिन्हें पहले निलंबित किया जा चुका है, लेकिन अब इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। महोबा शहर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और महोबा से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। दिलीप, कुछ पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उनको निलंबित कर दिया गया, लेकिन अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला क्या है पूरा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो लगातार महोबा के पूर्व एसपी रहे मणिलाल पाटीदार, उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और पूरा उनकी कई बार शिकायतें मुख्यमंत्री तक लोगों ने की हैं। इसके पहले पूर्व में एक विस्फोटक लाइसेंस धारक केशव सविता करके हैं, उनके पूरे खानदान को पूरे परिवार के फर्जी मुकदमे में फंसाया। उसके बाद एक ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में एक ट्रक मालिक जिनके डंपर चलते हैं उनको बुला के धमका के पैसे की डिमांड की। फिर इसके बाद लगातार एक सबरई के ही पत्थर मंडी के एक विस्फोटक व्यवसायी क्रेशर व्यवसायी है इंद्रकांत त्रिपाठी, उनको बुला के लगातार एसपी द्वारा धमकी दी जा रही थी, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था और मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत की। फिर पूरे मामले में आज उसके बाद उनको गोली लग गई संदिग्ध तरीके से उनको, और वो कानपुर में भागती है। पूरे मामले की जांच आईजी के सत्यनारायण लगातार कर रहे थे और उनकी जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से महोबा एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद नए एसपी ने आते ही जो अन्य जिनके कई एक उप निरीक्षक व एक निरीक्षक सहित तीन लोगों पर और एसपी रहे जो मणिलाल पाटीदार, उन पर मुकदमा पंजीकृत कराया है। तो जो कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जिनके डंपर लगे थे सीपी पांडे करके हैं, उन्होंने जो प्रातः पत्र दिया था उसके आधार पे एसपी सहित तीन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जी जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।